वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत ने हैरत अंगेज तरक्की की है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें तेलंगाना के में नाफिस स्कीमात की नकल कर रही हैं। वजीर मौसूफ ने रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी तरसनी श्रीवास यादव के साथ हैदराबाद HICC में फूड कॉन्क्लेव 2023 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में 5 इनकलाब आए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में चावल के मरकज के तौर पर तरक्की कर रहा है। तेलंगाना हिंदुस्तान की पोल्ट्री का दारुलहुकूमत बन गया है। हुकूमत बागवानी और डायरी के शोबों को फरोग दे रही है। रियासत में एक ज़रई यूनिवर्सिटी, एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और एक वेटनरी यूनिवर्सिटी कायम की गई है। तेलंगाना हुकूमत पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फरोग दे रही है। मुल्क और बैरून मुल्क के सनअतकार इस शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। All I can tell you is TSI pass also enables me, the industry's minister, to either meet or beat the best offer you have in India. Now that is the kind of flexible policy making which has helped Telangana garner the number one position in India today. Not only the policy, we also have earmarked land, we also have made it easy for you to get approvals, and we also have created, of course, you know, you need to procure the raw material, you need to have access to the raw material, and we